हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी गाइस? सबसे पहले तो यार आप लोगों को थैंक यू, जो आपने एसी मैकेनिक वाली वीडियो हो गई, मोटर मैकेनिक वाली वीडियो, उसको आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया। लगभग हजारों लोगों ने वीडियो देखे और काफी सारे लोग मैंने कमेंट पढ़े उस वीडियो पर, जिन्होंने किए हुए हैं कि भाई आप डीजल मैकेनिक के बारे में बेसिकली कुछ बताओ कि अगर कुवैत में एज ए डीजल मैकेनिक हमको वर्क करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। कुछ लोगों ने बेसिकली ITI से कोर्स किया हुआ है, कुछ लोगों ने काम सीखा हुआ है, तो पूछ रहे थे भाई कितनी सैलरी मिल जाती है एज अ फ्रेशर। अभी हम फ्रेशर, अभी हमने कहीं भी काम नहीं किया है। कुछ लोग 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, फिर उनको कितनी सैलरी मिल जाती है जॉब करने के लिए, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फटाफट पहले मैं आप लोगों के साथ रिक्वायरमेंट शेयर कर देता हूं, उसके बाद मैं सैलरी बता दूंगा आप लोगों को मंथली सैलरी कितनी मिल जाती है एज ए डीजल मैकेनिक पे। ठीक है, और कुछ और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो वीडियो ध्यान से देखो, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 1 से 2 मिनट की वीडियो है, पूरी वीडियो देखो। पहले रिक्वायरमेंट शुरू करता हूँ, उसके बाद सैलरी बताता हूँ। देखो, रिक्वायरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ITI से कोर्स किया हुआ या फिर कहीं से भी कोर्स किया हुआ, तो एक काम करो, आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ले लो। अगर आपको सैलरी कम भी मिल रही है तो एक्सपीरियंस ले लोगे और जॉब के लिए उस पर अप्लाई करते हो तो आपको 90% चांस होते हैं कि जॉब मिल जाएंगे और एक अच्छी सैलरी के साथ मिलेगी। बट आप फ्रेशर पे अप्लाई करते हो तो काफ़ी कम चांस होता है जॉब मिलने का, क्योंकि कंपनी को लगता है कि ये आदमी फ्रेशर है, अभी कहीं भी काम नहीं किया है, तो इसको लेने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए कंपनियाँ एक्सपीरियंस मांगती हैं कि एक्सपीरियंस आप जितना हो सके लेना ले सकते हो तो ले लो। ठीक है, सेकंड चीज, डीजल मैकेनिक वर्क में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीजा के लिए है, वो है हेल्थ सर्टिफिकेट, डॉक्टर की तरफ से मिलती है आपको, उसके ऊपर काम करो, अपना हेल्थ पे काफी ज्यादा ध्यान दो। थर्ड चीज, आपके ऊपर किसी टाइप का केस क्राइम ऐसा कुछ ना हो। फोर्थ चीज, आपका जो हेल्थ और ट्रेवल इंश्योरेंस है वो करा लेना, अभी के टाइम पर कंपलसरी है, ये चीज ध्यान देना। अपना कोरोना वैक्सीनेशन जो मैंने बताई अभी, हेल्थ में ही आता है अभी, बट ये आपको नेसेसरी है। ठीक है, मिनिमम 10th और 12th पास हो आप, 10th पास मिनिमम है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। पासपोर्ट आपको ज़रूरत पड़ता है। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। ऑन एन एवरेज अगर डीजल मैकेनिक की सैलरी की बात करें तो लगभग 70 to 80 thousand है एवरेज। बट अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपने अभी कहीं भी काम नहीं किया हुआ है, तो आप 40 to 55 thousand रुपये पर मंथ आराम से अर्न कर सकते हो एज अ फ्रेशर। ठीक है, तो फिर मेरे कोई डाउट हो तो कमेंट करो, वीडियो से थोड़ा भी कोई नॉलेज मिला हो लाइक कर देना। बाय बाय, नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।